ओके ठीक है, और पूरे चलो गाड़ी ले चलो ये और ये इनके भाई ठीक है, अब आप इनके संपर्क में रहें और ये हैं तो मुझे उम्मीद है कि नहीं आए ठीक है। कहाँ यार, क्या तरीका है ये, एक एक से निकल जाओ, निकलना था अरे बैठ जाओ, ढक्का मुक्की मत करो भैया, अरे मैं चाहता हूँ आप मिनट मुझे मेरी बात का पालन अपनी बात रखो, तुम लोग आज हम जिस घटना के लिए आए हैं तुम लोग को देखे अंदर जो बोला पड़ेगा वरना आवाज नहीं जाएगी, कोई सुना भी तो आज हम देवरान की घटना के लिए आए हैं, देवरान ही है ना, और वो घटना डरावनी है। मैंने उस परिवार से भी मुलाकात की, उनसे मिलने के बाद मैं यहाँ आया, मैंने जब उनको सुना तो मुझे एहसास हुआ कि वो किस घर में है, क्या उनके साथ हालात है, और फिर मैंने यहाँ के जो जिला अधिकारी मैंने उनसे बात की, आप सब लोग भी यहाँ आए, मैं अपनी बात आपको बता देता हूँ, लेकिन कोई भी लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती और एक दिन में कोई न्याय नहीं होता है। अगर न्याय चाहिए तो संघर्ष करने के आदि बनो, अगर न्याय चाहिए तो फिर अपनी लड़ाई को अपने पैरों पर खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखो उनको तब तक मारा गया जब तक वो उनकी जान नहीं चली गई, आज वो परिवार किससे उम्मीद करे न्याय की, आप बताओ, क्या उनके पास कोई नेता विधायक एमपी मुख्यमंत्री है, शासन प्रशासन के लोगों की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, अगर उनकी कोई आखिरी उम्मीद है तो वो आप सब लोग हैं जो अपना काम छोड़ के समय छोड़ के अपने साधन से आज तमाम तरह की परेशानियां उठा के यहाँ आए, क्या आप आगे भी उनकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए आने के लिए तैयार हो? तो मैं जो मांगे हमने वहां रखी है मैं वो मांगे और पहली जो घटनाएं आज जो घटनाएं यहाँ हुई है वो भी आपके सामने बता देता हूँ। 8 अक्टूबर को रनहे गांव में हमला किया गया, 11 अक्टूबर को राजा पटना में सुरेंद्र अहिरवार को पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका दिया गया, ग्राम दसोड़ा में रामकिशन अहिरवार को मजदूरी के पैसे मांगने पर दबंगों ने कुल्हाड़ी से काट दिया, केदुखेड़ा थाना क्षेत्र में बमहोरी पाजी गांव में दलित परिवार पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि दो नाबालिग बच्चों ने पीने के पानी को छू लिया था, इस घटना में पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई, 5 सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गांव जेरड़ तहसील पथरिया में थ्रेसिंग कर रहे मजदूर वीरू अहिरवार को थ्रेसर में धक्का देकर जान से मारने का प्रयास किया जिसमें उसका एक हाथ कट गया, जिस पर पुलिस ने अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, ग्राम बरवासा में कल रात 7:30 बजे राजकुमार अहिरवार को गोली मार दी गई, उनके परिवार के 2 अन्य लोगों को घायल कर दिया गया, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, बाकी 4 आरोपी या भी 3 आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, कृषि उपज मंडी में दबंगों द्वारा किसान के साथ मारपीट और
ये सारी घटनाएं दमोह में हुई। दमोह के अधिकारी कर्मचारी कुछ तो अच्छे हैं जो मुझे मिले, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सरकार के इशारे पे हाथ धर के बैठे हैं, और मैं ये समझता हूं कि उनके हाथ पे हाथ रखने से अपराधियों का संरक्षण और अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। कल आने वाले समय में ये अपराध आपके साथ भी हो सकता है। तो जो देवराना प्रकरण है और ये जो अन्य प्रकरण है, इनमें हमने मांगे रखी हैं, और ये मांगे मैं समझता हूं कि आप सब लोगों की मांगे हैं कि सबसे पहले तो जो बाकी आरोपी हैं उनको FIR में नामजद करके उनको जेल भेजा जाए। दूसरी, पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देके आर्थिक जो है मुआवजा सरकार उनको दे। मैं अपनी बात को रोकते हुए कह रहा हूं कि तालियां बजाने से और किसी को गालियां देने से काम नहीं चलेगा। सड़क पे आके संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए, और अगर आप ऐसे नालायक लोगों को यहां विधायक चुनोगे तो फिर आपका इलाज यही होगा। आप देख रहे हैं मेरी बात, आपकी एक एक गलती आपकी आने वाली पीढ़ियों को उनकी कमर तोड़ देगी। आप ऐसे नालायक लोगों को अगर विधायक बना के भेजोगे तो आपके बच्चों के साथ ये अन्याय अत्याचार होगा। ये फैसला भी करना आज आप कि आपको किसको ताकत देनी है। तीसरी मांग ये है कि मृतक माना गहिरवार की पत्नी को शासकीय नौकरी प्रदान की जाए। चौथी मांग ये है कि परिवार को 5 एकड़ कृषि भूमि प्रदान की जाए। पांचवी मांग ये है कि पीड़ित परिवार को आत्मरक्षा हेतु सशस्त्र लाइसेंस जो है हथियार उपलब्ध कराया जाए। छठी मांग ये है कि पीड़ित परिवार के आंगन में जो बना हुआ है आरोपियों का अवैध मकान उसको हटाया जाए। सातवीं मांग ये है कि मृतक माना गहिरवार के सभी बच्चों को कि पूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी जो पढ़ाई करना चाहते जब तक वो बड़े नहीं होते ये सरकार को प्रशासन के लोगों को उठानी चाहिए कि उनको निशुल्क और अच्छी शिक्षा जो है मिले। और घायल महेश अहिरवार जो मृतक मानक अहिरवार के छोटे भाई हैं उनका निशुल्क और उचित इलाज कराया जाए, उनकी जान को सुरक्षित किया जाए, सुरक्षा का माहौल उन्हें दिया जाए, और इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाए, सजा दिलाई जाए। और अंतिम जो मांग है, उनको गांव से हटाकर शहर में यहां दमाव में रहने के लिए मकान की व्यवस्था जो है उस परिवार को कराई जाए, ऐसी हमारी मांग है। और इन मांगों के लिए हमने यहाँ के जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से यहाँ की सरकार को आज 1 तारीख है, 14 तारीख तक का समय दिया। अगर 14 तारीख तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, मैं वचन देता हूं कि 15 तारीख से सड़क के बाहर नहीं सड़क के अंदर जिला मुख्यालय में धरना शुरू होगा और अनिश्चितकालीन धरना होगा। और जब तक धरना चलेगा, ये धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, और डीएम कार्यालय में हम लोग ताला लगा देंगे। जो जिलाधिकारी जो एडिशनल SP SP हमें न्याय नहीं दे सकता उसको संवैधानिक कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। अगर मेरी आपसे मांग है एक दिन में लड़ाई जीत जाती, क्या आप 15 तारीख को आओगे? इतनी सी संख्या में क्या बस इतनी सी संख्या में आओगे? वादा करो कि एक आदमी कम से कम 20 आदमी को तैयार करके लेके आएगा। आओगे नहीं आओगे बताओ? ऐसा तो नहीं मैं अकेला यहाँ धरना देता रहूंगा। आओगे नहीं आओगे बताओ, वादा करो। तो फिर याद रखो कि आपके ऐलान के आगे मुख्यमंत्री भी झुकेंगे और आपकी मांगे पूरी होगी, वरना 15 तारीख की रोटी इसी जिला मुख्यालय में खाई जाएगी, मेरा आपसे वादा। एक अनुरोध आखिरी मेरा आपसे और है, आप क्योंकि न्याय की लड़ाई लड़ने आए, आपको संविधान का ज्यादा पालन करना है, पूरी जिम्मेदारी से अपने साधन का प्रयोग करते हुए आप जाएं और अपने घर पहुंचे और अगले आदेश का इंतजार करें, तैयारी करके रखें। अगर हमारी मांगे पूरी होती है तो भी 15 तारीख को यहाँ आएंगे, और अगर नहीं होती तो भी आएंगे। अगर पूरी हुई तो इनका धन्यवाद करने आएंगे, और अगर नहीं पूरी हुई तो आंदोलन करने आएंगे। ये वादा भी मैं आपसे कर रहा हूँ। लेकिन अभी आपको घर जाना है जिम्मेदारी से, और आज से काम पे लग जाना है।
15 तारीख तक सारे मामलों में न्याय हो, इसलिए आपको अपने समाज को तैयार करना है और एक बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जिला मुख्यालय पर आना। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप रास्ता बना दो तो मैं चला जाऊं, क्योंकि मुझे, आप जानते हैं, मेरे साथ समय की कमी है। रास्ता दे दो बस। और आप कभी पूरी जिम्मेदारी से अनुशासन में रहते हुए घर जाना है, ठीक है।